हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आने वाले कुछ दिनों में लगातार कुछ व्रत की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ मीठा। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा, और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल घर में रखे हुए सामान के साथ। कुछ भी हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप इसे व्रत में तो बना ही सकते हैं, लेकिन रेगुलर डेज़ में भी आप इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं लौकी का हलवा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ कुछ और व्रत की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप घर पर आसानी से बना पाएंगे। तो आज हम बनाते हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है लौकी, आप देख सकते हैं एक मीडियम साइज़ की लौकी है और वेट में है ये 450 ग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पील करेंगे, इसका छिलका निकाल लेंगे। पील करने के बाद इसका ये ऊपर का हिस्सा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे निकाल देंगे और इसको काट लेंगे, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है वो हमें नहीं चाहिए। इसका जो बीच का ये पल्प होता है इसे हम निकाल देंगे। और अब हम ये जो बचा हुआ हमारा पार्ट है इसको हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। तो यहाँ पर हम लौकी को घिस लेंगे। इस तरह से लौकी को हमने सारा घिस लिया है और अब इसका पानी निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम दूध चढ़ा देंगे, क्योंकि लौकी जो है वो बहुत जल्दी काली पड़ने लगती है, इसलिए हमें बस अब क्विकली दूध को कढ़ाई में डाल देना है। तो यहाँ पर 1 कप दूध लिया है हमने, बहुत ज़्यादा दूध नहीं चाहिए और ये फुल फैट मिल्क है। और यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है, लौकी डालेंगे, लेकिन लौकी को डालने से पहले थोड़ा सा उसे स्क्वीज़ कर लेंगे जिससे कि जो लौकी में पानी होता है वो निकल जाए। इस तरह से दबा करके लौकी का पानी निकाल देंगे और दूध में लौकी को डाल देंगे। तो लौकी पक रही है, थोड़ा सा दूध मैं इसमें और ऐड करूंगी। तो यहाँ पर करीब करीब 300 ml दूध मैंने डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे हम दूध को अच्छे से पका लेंगे, जब तक दूध सारा सूख नहीं जाता और लौकी में मिक्स नहीं हो जाता है। लौकी बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए दूध बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे गाजर के हलवे में हमें दूध थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, उसके कंपैरिजन में लौकी के हलवे में दूध कम लगता है। तो अभी करीब 1 से 1.5 मिनट हो गया है और दूध सूखने लगा है। इसमें हम इलायची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस इलायची को क्रश कर लिया है, तो फ्रेश क्रश की हुई इलायची का जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। 7 से 8 इलायची, छोटी वाली हरी इलायची, उसको क्रश करके इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा दूध और सूख जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो जब तक हमारी लौकी दूध में पक रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। और इसमें मैंने लिया है काजू, बादाम और किशमिश, इसको चॉप कर लिया है। और इसे हम फ्राई कर रहे हैं देसी घी में, तो जो ये बचा हुआ देसी घी है ये भी अभी हम हलवे में यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी ज़्यादा सूख गया है और अब हम इस स्टेज पे इसमें शुगर डालेंगे। तो यहाँ पर ये स्टील का जो थोड़ा सा बड़ा चम्मच है इसको अब मैं डालूँगी यहाँ पे
तीन बड़े चम्मच, और वापस से मीडियम फ्लेम पे इसे पूरा सुखा लेंगे। चीनी डालने से थोड़ा सा पतला होगा क्योंकि चीनी मेल्ट होगी, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पूरे अच्छे से ड्राई कर लेंगे, जब तक कि बिल्कुल भी दूध हमें ना दिखाई दे, मतलब दूध पूरे अच्छे से सूख जाना चाहिए। तो आपने देखा चीनी डालते ही एकदम से चीनी मेल्ट हुई और ये वापस से थोड़ा पतला हो गया। जो लौकी का हलवा है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और आप इसे व्रत में तो बना के खा ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब भी आपका मन करे आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है, जल्दी से बन जाता है और सीजनल भी नहीं है। जैसे गाजर का हलवा तो हमें वेट करना पड़ता है कि गाजर आएगी तभी मिलेगा, लेकिन लौकी का हलवा आप कभी भी बना के खा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर बनाएं। दूध पूरा सूखने के बाद इसमें हम देसी घी डालेंगे, तो यहाँ पर एक चम्मच देसी घी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये जो अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए थे इसमें भी देसी घी है, तो ये वाला देसी घी भी सारा इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो करीब तीन छोटे चम्मच देसी घी, और आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने फुल क्रीम दूध यूज़ किया है, इसके लिए आपको ऐसा मावे जैसा ही दानेदार टेक्सचर आपको इसमें दिख रहा होगा, और इसको हम एक से दो मिनट भून लेंगे। तो हमारा लौकी का हलवा एकदम तैयार है, और इसमें आप देख रहे होंगे साइड्स में घी दिख रहा है, और दूध के वजह से इसमें मावे जैसा दानेदार भी दिख रहा है ये। तो जो फुल फैट मिल्क है बस उसको हमने बॉयल किया हुआ नहीं था, मतलब मलाई नहीं निकाली थी, डायरेक्टली पैकेट से काट के उसे यूज़ किया है, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो बादाम के छोटे छोटे पीसेस, लंबे लंबे टुकड़े काट लिए हैं, किशमिश है, और काजू को कुछ मैंने छोटे पीसेस में काटा है, और कुछ को मैंने बस एक से दो कर लिए हैं दो पार्ट में, क्योंकि ये ऊपर अच्छे लगेंगे गार्निशिंग में। और हलवा रेडी है, इन्हें सर्व कर लेते हैं। हलवा हमने सर्व कर लिया है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देते हैं, लेकिन पिस्ता को हमने फ्राई नहीं किया है। लौकी जिनको पसंद नहीं होती है उनको आप ये हलवा ज़रूर खिलाएं, आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लौकी का हलवा ज़रूर बनाएं और खाएं, और हैप्पी नवरात्रि।